नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास लिमिट का, ठीक है. लिमिट वाला क्वेश्चन बोल रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 raised to the power x प्लस 3 raised to the power x माइनस 1 माइनस 12 अपॉन 3 raised to the power माइनस x बाय 2 माइनस 3 raised to the power 1 माइनस x. लिमिट के क्वेश्चन में मैं एडवाइस करता हूँ, सबसे पहले इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करिए ऑलवेज, ठीक है. जब मैंने इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करने की कोशिश करी, x की जगह 2 पुट किया, ये कितना बन गया 3 raised to power 2 9, 3 raised to power 1 3, 9 plus 3 12, 12 minus 12 0. सो न्यूमरेटर इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0. आई एम प्रिटी मच श्योर कि 0 by 0 फॉर्म बनने वाली है. एक्स की जगह 2 रखा, 2 upon 2 1, 3 raised to power minus 1 इज 1 by 3, दिस इज 1 by 3. माइनस 3 raised to the power 1 minus 2 अगेन -1, तो 1 by 3, 1 by 3 minus 1 by 3 0. सो द फॉर्मेट इज 0 by 0. सिंस द फॉर्मेट इज एन इंडिटर्मिनेट फॉर्म, सो क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है सिंपल. ओके फाइन, सबसे बढ़िया रामबाण एकदम ताबड़तोड़, ठीक है, लिमिट की दुनिया में एक्स की जगह रख दो भाई साहब 2 plus h. ये उन लोगों के लिए जिन्हें लिमिट बहुत अच्छे से आती है, पहले बता रहा हूं, ठीक है. लिमिट एक्स रेस टू द पावर, सॉरी एक्स वॉज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 है ना, और एक्स की जगह रखा 2 plus h, तो एक्स की जगह जब 2 रखूंगा तो एच किसकी तरफ जाने लगेगा, 0 की तरफ, ठीक. लिमिट एच अप्रोचिंग 0, ये बन गया 3 raised to the power 2 plus h, ठीक है. नाइन्थ क्लास की इंडाइसेस नाम की चीज यूज कर रहा हूं, 9 into 3 raised to the power h लिख सकता हूं, प्लस 3 raised to the power यहां बनेगा 1 plus h, तो इसे लिख सकता हूं 3 into 3 raised to the power h माइनस 12 अपॉन नीचे 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 इधर इधर 3 raised to the power माइनस 1 माइनस एच बाय 2 माइनस 3 raised to the power यहां रखा है एक्स की जगह 2 plus h, यार थोड़ी बहुत स्टेप्स तो खाऊंगा यार, माइनस 1 माइनस h, ठीक है. अच्छा ऊपर देखना 9 plus 3 12 टाइम्स हो गया क्या, अरे हो गया क्या, तो 12 times 3 raised to power h माइनस 12 कॉमन आ गया. चलो जी 12 बाहर ले लो यार, ठीक है. अच्छा नीचे से देखो 3 raised to the power माइनस 1 कॉमन आ रहा है क्या, 3 raised to the power माइनस 1 कॉमन आएगा तो ऊपर उचक के बन जाएगा 3, तो ये 3 मल्टीप्लाई में हो गया. लिमिट h अप्रोचिंग 0, ऊपर बना था 12 into 3 raised to power h माइनस 12, 12 कॉमन लेने के बाद ऊपर बचेगा 3 raised to the power h माइनस 1 अपॉन, देखो भैया आप बड़े हो गए हो, सीधी सी बात है, इतनी जल्दी जल्दी आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, ये बना भाई साहब, ठीक है क्या. चलो जी इसके बाद में एक बहुत अच्छी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाता हूँ हमेशा क्लास के अंदर भी, आप मेरे वीडियो लेक्चर्स भी देखेंगे तो उसमें भी बहुत बार आपको लिमिट के वीडियो लेक्चर्स में ये चीज़ सुनाई देगी, ठीक है. ऊपर वाला 0 जा रहा है ये, ठीक है, और ये मुझे किसी की याद भी दिला रहा है कि अगर मैं अगर मुझे एच से डिवाइड करोगे तो मैं एल एन 3 बन जाऊंगा, लेकिन अभी एच कहीं से आया तो है नहीं ऊपर से, एच तो हम सप्लाई करेंगे और अगर सप्लाई करेंगे तो वापस भी लेंगे, तो अगर न्यूमरेटर को एच से डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर को भी एच से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन पहले सुनो समझो 3 raised to the power माइनस एच बाई 2, ये वाली क्वांटिटी जा रही है 1 की तरफ, ये वाली क्वांटिटी भी जा रही है 1 की तरफ, जब दो क्वांटिटी अलग अलग 1 की तरफ जा रही हो माइनस 1 प्लस 1, तो प्लस 1 ऐसे प्लस 1 कर दिया, कर सकता हूँ, हो गया क्वेश्चन खत्म फिनिश. ऊपर एच से डिवाइड करा था, नीचे भी एच से डिवाइड करना पड़ेगा, सही है क्या. यहाँ 3 raised to the power माइनस एच है तो लोग कह रहे हैं यहाँ भी माइनस एच है तो अच्छा रहे, तो यहाँ माइनस ये प्लस, ये माइनस ये माइनस, सही है. अच्छा लेकिन यहाँ तो बाय 2 चाहिए, तो बाय 2 और 2 दिस पार्ट ऑफ द मूवी, बताओ कितना हुआ एल एन 3, ये कितना हुआ, ये भी एल एन 3, ये कितना हुआ, ये भी एल एन 3, 12 3 36, बहुत बढ़िया 36. लिमिट एच अप्रोचिंग 0, ऊपर बना एल एन 3 अपॉन माइनस हाफ एल एन 3 माइनस हाफ एल एन 3 प्लस ये एल एन 3 एल एन 3 एल एन 3 एल एन 3 कैंसिल, 1 माइनस हाफ हाफ, डिनोमिनेटर में ऊपर उचकेगा 2, 2 36 या 36 2 या जो भी लिखना है 72, दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिला है हमें आपके लिए वो मिला है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल, ठीक है, एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल फंक्शन है. ये चीज जैसे ही मैं पढ़ता हूँ ना शुरू में, ठीक है, एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल फंक्शन है और किसी इंटरवेल की बात करी गई है, वो इंटरवेल बताया गया है -7 to 0.
ठीक है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ना रोलीज और एलएमवीटी आते हैं, इतना पढ़ते पढ़ते ही आ जाना चाहिए। देखो क्लिक करने लगेगी चीजें क्वेश्चन पढ़ के, तभी तो हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, किसी तो डायरेक्शन में सोचें। तो मेरे दिमाग में ये आया कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल इन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज माइनस सेवन टू जीरो, ठीक है, एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू टू, ठीक है, जो एफ डैश एक्स है वो टू से छोटा या बराबर है, ये दिया गया है। एफ डैश एक्स की जब बात आती है तो मैं सोचता, तो फिर अब मैं अब जाने लगे एल एम वी टी की तरफ, क्योंकि एल एम वी टी से डिफरेंशिएशन की वैल्यू मिलती है मेरे को, ठीक है, वो लेस देन इक्वल्स टू टू दिया है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज माइनस सेवन टू जीरो। ऑल्सो एफ ऑफ माइनस सेवन की वैल्यू दी गई है भाई साहब माइनस थ्री, ठीक है, देन रेंज ऑफ एफ ऑफ माइनस वन प्लस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू पूछिए कि एफ ऑफ माइनस वन प्लस एफ ऑफ जीरो कहां से कहां वेरी करेगा, ठीक। चलिए एफ ऑफ माइनस सेवन दिया है, एफ ऑफ जीरो यहां पे यूज करना है, तो ये तो एलिमिटी लग गया पूरे माइनस सेवन से जीरो के अंदर। माइनस सेवन से जीरो के अंदर अगर मैं कोई सी ले लेता हूँ, सी बिलोंग्स टू ओपन माइनस सेवन टू जीरो, तो एल एम बी टी के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ एफ डैश सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ माइनस सेवन अपॉन जीरो माइनस माइनस सेवन, ठीक है। बताया जा रहा है भाई साहब कि ये क्वांटिटी जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू टू है, तो गिवन, ठीक है जी, एफ ऑफ जीरो माइनस इसकी वैल्यू हो गई प्लस थ्री, नीचे कितना हो गया प्लस सेवन, सेवन उचक के इधर आ गया, ये हो गया 14, तो f ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल्स टू हो गया भाई साहब 11, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा जो इन्होंने ट्विस्ट डाला है वो f ऑफ माइनस वन कहाँ से लाएंगे, तो यार एक सीधी सी बात है, अगर कोई फंक्शन जो मेरा फंक्शन है fx, वो अगर इस इंटरवल में कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल दिया गया है तो इसके सबसेट में भी कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल होगा, बट ऑब्वियस ही बात है, मेरा कहने का मतलब माइनस सेवन से माइनस वन के बीच में भी वो कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल होगा, तो एल एम बी टी उसमें भी लग सकती होगी। तो अब एक सी डैश मान लो या सी जो भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सी डैश मान लो भाई साहब कि एक एफ सी डैश कोई पॉइंट है जो कि ओपन माइनस सेवन से माइनस वन, सी डैश कोई पॉइंट है जो कि ओपन माइनस सेवन से माइनस वन में लिया गया है, सच दैट एल एम बी टी बोलती है एफ ऑफ माइनस वन माइनस एफ ऑफ माइनस सेवन विच इज माइनस थ्री, तो ये हो गया प्लस थ्री, ठीक है, नीचे हो गया माइनस वन माइनस ऑफ माइनस सेवन, तो ये हो जाएगा इस बार सिक्स, ठीक है, और ये चीज दी हुई है लेस देन, अरे यार फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल्स टू टू है, चाहे वो सी पे लिया जाए, चाहे सी डैश पे लिया जाए, चाहे सी डबल डैश पे लिया जाए, चाहे सी टू सी थ्री, कोई सा पॉइंट, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक। लेस देन इक्वल्स टू टू ये बन गया सिक्स, सिक्स ट्वेल्व ट्वेल्व नाइन, तो यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ माइनस वन इज लेस देन इक्वल्स टू नाइन, इन दोनों को ऐड किया जा सकता है, एफ जीरो प्लस एफ माइनस वन, ठीक है, तो ये हो जाएंगे एफ जीरो प्लस एफ ऑफ माइनस वन। आप देखिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है, एलएमवीटी डायरेक्ट डायरेक्ट अप्लाई हुई है, लेस देन और इक्वल्स टू 20, ठीक है, इट वॉज मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, तो एक ऑप्शन माइनस इन्फिनिटी से लेके 20 क्लोज वाला जो ऑप्शन है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया कोनिक सेक्शन से, ठीक है, कोनिक सेक्शन का सबसे 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैं अगर वो जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ शुरू से, अगर लाइव कोर्सेज आपने किए हैं उसके अंदर भी मैंने बहुत बार बोला है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और हो सकता है आपके कल के परसों के पेपर के अंदर भी ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये दिख जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन दिखते ही हैं, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस फोर इज कॉमन टेंजेंट टू पैराबोलाज, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू बी वाई, ये जो लाइन है अगर ये इनके लिए कॉमन टेंजेंट का काम कर रही है तो बी की वैल्यू बताओ, ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल कैसे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए सबसे पहले, इन दोनों के लिए इस पैराबोला के लिए ये लाइन कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। जब भी कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन आएगा मैं ये बोलता हूँ भाई साहब जो भी दो कर्व दिए होंगे ना उनमें से कम एक कर्व की टेंजेंट तो आपको लिखनी डायरेक्ट आती होगी, इसकी आती है, तो स्टैंडर्ड पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 1, इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन जो होती है वो होती है एम स्लोप की वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, ए की वैल्यू यहाँ क्या है 1, तो ये हो जाएगी 1 बाय एम, इसे जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे मिला कि 1 बाय एम की जगह यहाँ 4 है, अगर 1 बाय एम की जगह 4 है तो यानी कि एम की वैल्यू यानी कि स्लोप की वैल्यू 1 बाय 4 हुई,
अरे हुई या नहीं हुई यार, तो मेरी तो टेंजेंट ही बन गई, मेरी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई भाई साहब y इज इक्वल्स टू 1/4x + 4। ये लाइन कॉमन टेंजेंट का काम कर रही है, यानी कि ये लाइन इस कर्व के लिए भी टेंजेंट है। कॉन्सेप्ट नाउ, अब आती है कॉन्सेप्ट के बारे में। किसी पैराबोला के लिए कोई लाइन अगर टेंजेंट का काम कर रही है तो इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे यू विल गेट कोइंसिडेंट रूट्स, यानी कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे बनने वाली क्वाड्रेटिक के रूट्स कोइंसिडेंट होंगे, यानी कि उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। अब इस चीज़ को पता नहीं क्यों नहीं लोग बाग अपने दिलों में घर कर पाते, मैं समझ नहीं पाता सही में। चुपचाप इसे उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है, मुझे क्या मिला x²-2b, वाई की जगह ये रख दूंगा 1/4x + 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक x²-b/2x - 8b, सही लिख रहा हूँ ना, इज इक्वल्स टू 0, कोई गड़बड़, ठीक, ओके। ये जो क्वाड्रेटिक बनी है इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये टेंजेंट का काम कर रही है, ये वाली लाइन इसके लिए, ठीक है जी। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इज b²-4ac, दैट इज b²/4 - 4ac, तो ये हो गया +32b इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से b की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 0 और एक 32, 4 = 64, 128, -128। क्वेश्चन जेई एडवांस का होता ना, अगर एक चीज़ बता रहा हूँ कोई नहीं बताएगा कहीं पे भी, किसी भी वीडियो सॉल्यूशन में जितने भी आप सॉल्यूशन देख लो मार्केट के, कहीं इस चीज़ का जिक्र नहीं होगा, इट्स अ पीजी स्पेशल एडिशन। क्या भाई साहब, अगर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ बी पूछी जाती ना, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ बी, तो ये क्वेश्चन और अच्छा होता, तब ये क्वेश्चन बनता है जेई एडवांस लेवल का, ठीक है। और क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा होता, शब्दों पे ध्यान देना, अगर कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है ना तो ही मेरी बात समझ में आएगी, वरना मेरी बात का बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, और कोशिश भी मत करना समझ में आए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि दिस इज अ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व्स, कर्व वन दिस एंड कर्व टू दिस, पैराबोला नहीं बोल सकते ना, क्योंकि अगर पैराबोला बोल दिया तो फिर बी जीरो नहीं हो सकता। जैसे यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर इसने पैराबोला बोल दिया, तो बी की सिर्फ ए की वैल्यू आएगी -128, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, ऑप्शन में -128 था और होना ही चाहिए, मतलब आया था आंसर, तो ठीक है। लेकिन अगर उसने जेई एडवांस में पूछेगा, ठीक है, तो ये है ना, जेई एडवांस में क्या दो चार लेवल ऊपर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मजा तभी आता है ना, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ बी पूछ लिया, अब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ बी पूछ तो कभी नहीं मार सकते, ठीक है, कितनी होगी, तो ये दो वैल्यूज है, दोनों पॉसिबल है, मजा इसी का ये गेम में, ये दोनों पॉसिबल है अगर इनको कर्व्स बोला गया हो तो। अगर इन्हें पैराबोला बोल दिया तब तो बी तो जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है। बट लोग कहाँ पे गलती करके आएंगे, वो तो उसने तो पैराबोला मान के क्वेश्चन सॉल्व किया, उसको तो पैराबोला जैसा ही लग रहा है ना भाई, तो बी जीरो नहीं हो सकता, तो वो नंबर ऑफ वैल्यूज में भी एक ही लगा के आएगा, जबकि नंबर ऑफ वैल्यूज टू हो जाएगी अगर उसने कर्व्स लिख दिया तो, ठीक। चलिए, अदरवाइज क्वेश्चन सिंपल था, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखें, ठीक है। हो सकता है आपके पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन आ जाए, कोई ताज्जुब की बात नहीं है, पिछले पुराने इतिहास में ये मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, मतलब एक ही, अगर हम लोग 8 सेक्शन 16 सेक्शन जितने भी आते हैं एक बार में, ठीक है, अगर उनके अंदर देख लें तो उनमें भी अलग अलग पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन मिल ही जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो आया है 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट 2, 1, 6, एक पॉइंट है, ठीक है, इन द प्लेन कंटेनिंग पॉइंट्स, एक प्लेन के अंदर इसकी निकालनी है ना, कंटेनिंग पॉइंट्स 2, 1, 0, 6, 3, 3 एंड 5, 2, 2। तो ये तीन पॉइंट्स दिए हैं, ये तीन पॉइंट्स से हमेशा एक यूनिक प्लेन पास होता है, ये हमें पता है। तो इस प्लेन के अंदर इस पॉइंट, इसे हमने पी मान लिया, इस 2, 1, 6 की मिरर इमेज निकालनी है। मिरर इमेज का फॉर्मूला मुझे पता था, बट पॉइंट ये है कि पहले तो प्लेन होना चाहिए, ठीक है। प्लेन, तीन पॉइंट से प्लेन बनाना मुझे उम्मीद है कि आपको आता ही होगा, ठीक है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं अलग अलग, कोई क्रॉस प्रोडक्ट, इसे ए और बी से एक ए बी वैक्टर बना लिया, ए और सी से एक ए सी वैक्टर बना लिया, है ना। देखो एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर तीन पॉइंट्स हैं ए बी सी, ए बी वैक्टर बना लिया, ए सी वैक्टर बना लिया, इसका क्रॉस ले लेंगे तो इसके अलॉन्ग एक नॉर्मल आ जाएगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो भी आएगा, वो डिपेंड करता है ए सी क्रॉस ए बी या ए बी क्रॉस ए सी, आई डोंट केयर अबाउट इट, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, नॉर्मल आ गया, नॉर्मल आ गया तो वो
एबीसी की वैल्यू मिल गई अपने को, कौन से एबीसी की, वो जो कॉफिशेंट होते हैं ना एक्स वाई जेड के, उन्हीं से तो मिलते हैं डीआर और वो डीसीज जो भी होते हैं, ठीक है वो आ गया। ये तीन पॉइंट्स आपको दिए हुए थे नॉर्मल पता होने के बाद, तो अगर एक पॉइंट दिया हो तो ही बहुत होता है, यहाँ तो तीन पॉइंट है तो काम हो जाएगा, ठीक है। या फिर कुछ जगहों पर ऐसा भी बताया जाता है, मैंने इस वाले क्वेश्चन में देखो इसे, ये ऑब्जर्वेशन है, ये एक्सपीरियंस, जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व करे ना प्रैक्टिस करी उसकी बात, मेरे को यहाँ पे 2.1 और 6.3 दिख रहा था, थ्री टाइम्स है सीधा सीधा थ्री टाइम्स है। मैंने पता है क्या किया, मैंने प्लेन की क्वेश्चन मान ली, प्लेन की क्वेश्चन में भी तीन अननोन होते हैं, इसीलिए तो तीन पॉइंट चाहिए यूनिकली डिफाइन करने के लिए। मैंने प्लेन की क्वेश्चन मान ली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू वन, मान लो डी मानना जरूरी नहीं है, डी से डिवाइड कर दिया, ठीक है तो ये इज इक्वल टू वन मान लिया। ये भी एक तरीका है भाई, अननोन कितने, तीन ए बी सी, अगर ये मिल जाएंगे तो काम चल जाएगा। इसके लिए तीन कंडीशन थी, दी हुई है कि ये तीन पॉइंट जो है वो इस प्लेन के अंदर है, तो मैंने ठोक दिया खटाखट खटाखट, इसको रखो देखो 2a प्लस जल्दी देखो इज इक्वल टू 1, इस वाले को रखो 6। अब आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों किया था, इसे यही तो दूरदर्शिता कहते हैं, इसे विजनरी परफॉर्मेंस कहते हैं, इसे विजनरी परफॉर्मेंस। मैंने एक स्टेप आगे देख लिया था कि अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सबट्रैक्ट करूंगा तो दो तो गायब हो जाएंगे एक साथ, सी की वैल्यू आ जाएगी खाट से, आ रही है, आ गया सी -2/3। अब इससे ज़्यादा नहीं डिटेल में समझाऊंगा, हो गया भैया बहुत है, सी की वैल्यू आ गई -2/3, ठीक है जी। अच्छा एक कंडीशन और थी, कौन सी, ये वाली, अरे ये भी तो रखोगे, बोलो 5a प्लस 2b प्लस 2c, तो c की तो वैल्यू आ चुकी है, तो -4/3 इज इक्वल टू 1 लिखूंगा, तो वो उधर जाके हो जाएगा कितना 7/3 लिख लो, ठीक गुड। और एक कंडीशन ये है ही 2a प्लस b, तो इसको डबल कर देते हैं, तो 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 2, इन्हें सब्ट्रैक्ट किया, ये b कैंसिल, देखो कितनी जल्दी आया, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो गेम है आप कितना फास्ट कर सकते हैं। ए के वैल्यू 1/3 आ गई यहाँ ठोक, तो ये बन गया 2/3, इधर आके 1/3, तो बी के वैल्यू आ गई 1/3, तो ए और बी के वैल्यू आ गई 1/3, सी के वैल्यू आ गई -2/3। इन तीनों की वैल्यू जब इसके अंदर यहाँ पे रखूंगा तो प्लेन मिल जाएगा, ये मिल गया मेरे को प्लेन एक्स प्लस वाई -2z। गेम इसी चीज़ का है भाई साहब, आप कितना फास्ट कर सकते हो जितनी प्रैक्टिस करी होगी, स्पीड ऐसे तेज नहीं होती जल्दी जल्दी करने से, स्पीड होती है प्रैक्टिस करने से। अगर आपने प्रैक्टिस ज़्यादा कर रखी है तो स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगी यार, मैं कोई रट के थोड़ी आया हूँ, आपके सामने एबीसी की वैल्यू निकाली है, ये मेरा प्लेन बन गया। हाँ फॉर्मूला रटा होना चाहिए, मिरर इमेज का जो फॉर्मूला है जो आपको ऐसा लिखाया गया होगा x2 - x1 की जगह मेरे जो पॉइंट है पी पॉइंट के, दैट इज 2 अपॉन x का कोफिशियंट यानी कि a विच इज 1, y2 - y1 अपॉन y का कोफिशियंट 1 इज इक्वल टू z2 - z1 विच इज 6 अपॉन z का कोफिशियंट -2 इज इक्वल टू -2 times। अब -2 times में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इसमें रख दो पूरे को, ये -3 भी डाल लिया इज इक्वल टू 0 है ना, रख दो 2 + 1 कितना 3, 2 + 1 3 6, तो 3 - 12, अच्छा 3 कैंसिल -12 है ना, ये हो गया -12 अपॉन, नीचे होता है a² + b² + c² बिना अंडर रूट के, a² + b² + c², तो 1 + 1 2 2 + 4 6, ये आ गया 6 किच किच कुड़ कड़ा भिश, ठीक है 2 2 = 4, ये 1, तो ये x2 की वैल्यू आ गई भाई साहब 6, ये देखो 4 5, y2 की वैल्यू आ गई 5, z2 की वैल्यू -4 और 2, एक सेकेंड 2 2 = 4 4 - 2 - 8 + 6, तो -2, ये आ गया भैया कोऑर्डिनेट 6, 5, -2 ऑप्शंस, ऑप्शन में मेरे पास जो ऑप्शंस आए हैं उसमें फर्स्ट ऑप्शन यही है 6, 5, -2, ठीक है डन सॉल्व, समझ गए। तो ये भी एक देखो ये आपके ऊपर है प्योरली, आपको ऐसे करना है, मेरे को थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट मतलब एलर्जी टाइप है, कोशिश करता हूँ बच सकूँ तो, मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया बच गया, ठीक है क्वेश्चन क्वेश्चन की बात है, इस क्वेश्चन में ब्यूटी थी इसलिए मेरे को एबीसी के लिए थोड़ी जल्दी मिल गई, वरना तीन इक्वेशन सॉल्व करना, अगर यहाँ पे भी सी आ रहा होता तो मैं शायद ये नहीं करता, क्योंकि तीन इक्वेशन सॉल्व करके तीन अननोन निकालना कहीं की समझदारी नहीं भाई साहब, उससे ज़्यादा बेहतर है ये, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये चीज़ें जो है वो अपने को वेरी करनी पड़ती है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो डिफरेंशियल इक्वेशन और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन,
का कंबाइंड वर्जन बोल सकते हो, ठीक है। मैं इसे मेथड ऑफ डिफरेंशियल से सॉल्व करूंगा, कुछ लोग इसे डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो देखने देखने का नजरिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट एक्स रेस टू पार के प्लस वाई रेस टू दावर के इज इक्वल टू ए रेस टू पार के, ठीक है, कोई तो कर्व टाइप दिया हुआ है, वेयर ए एंड के बोथ आर ग्रेटर देन जीरो, ओके नाइस, एंड डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई बाय एक्स रेस टू दावर वन बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है, देन फाइंड के इज, ठीक है। तो बेसिकली ये कर्व जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो के की वैल्यू बतानी है। तो वो वन इन द सेम थिंग है, या तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके कर्व बनता है, या फिर इस कर्व को डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं बनाऊंगा तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा आसान पढ़ना चाहिए, तो मैंने इसे डिफरेंशिएट कर लिया। जब मेरे को सॉल्यूशन दे ही रखा है तो फैंटम काहे बनना है भाई, हमेशा यही बोला जाता है। अगर आपको एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लिखा हुआ है इज इक्वल टू समथिंग समथिंग आंसर लिखा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर अगर इस तरीके का आता है और उसमें ना कभी कभी कुछ कॉफिशेंट पूछ लिए होते हैं, है ना, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ दोनों साइड डिफरेंशिएट करते भाई। जब वो पहले ही कह रहा है कि इसका आंसर इस तरीके का आने वाला है, ठीक है, और तो वो सिर्फ कॉफिशेंट ही निकाल लें, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करके कंपेयर कर दो, कॉफिशेंट आ जाने चाहिए, आ जाते हैं बहुत सारे, 90% से ऊपर के क्वेश्चंस में, 90% से ऊपर क्वेश्चंस में आ ही जाते हैं। खैर, तो मैंने उसी लॉजिक का इस्तेमाल किया, मैंने बोला मैं इसे डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन खुद से बनाऊंगा। नाउ इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब मेरे को एक बार डिफरेंशिएट करना, ठीक है, वैसे भी एक बार ही कॉन्स्टेंट है, एक बार ही डिफरेंशिएट करते गायब हो जाएगा। लो जी बोलो, एक्स रेस टू पार के, के इंटू एक्स रेस टू दी पार के माइनस वन प्लस के इंटू वाई रेस टू दी पार के माइनस वन डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट है दैट इज जीरो, के कैंसिल, कैंसिल क्यों, क्योंकि के पॉजिटिव दिया हुआ है, यानी कि के जीरो नहीं हो सकता, चलो हटाओ, तो ये बन गई भाई साहब डी वाई बाई डी एक्स, ये तो बहुत जल्दी बन गई, प्लस एक्स बाय वाई रेस टू दी पार के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसे और इसे कंपेयर करने पे थोड़ी सी गलती हो जाती है, देखो यहाँ पे हम वाई बाई एक्स है या एक्स बाय वाई है, ठीक है, तो के माइनस वन की वैल्यू कितनी आई, माइनस वन बाई थ्री, तो के की वैल्यू आ गई टू बाई थ्री, वेरी 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 सिंपल, फ्री के थे भाई, चार नंबर बिल्कुल फ्री के थे। अब ऐसे में भी कोई नेगेटिव नंबर ले आया तो फिर तो भाई किस्मत है भाई, सही में बिल्कुल सिंपल प्लेन क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया वो 11th क्लास का चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की तरफ से आया है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे को, क्वेश्चन बोल रहा है मुझे 6 डिजिट नंबर्स बनाने, ठीक है, फॉर्म 6 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। चलिए, तो 1, 3, 5, 7, 9 का इस्तेमाल करके मुझे 6 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, डिजिट है 5, 6 डिजिट बनाना है, तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि रिपीटेशन अलाउड होगा, ठीक है। अगर कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता, अगर उसने बोला होता सिंपली कि आपको तो 6 डिजिट नंबर बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 5 है और आपको कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, विदाउट कंस्ट्रेंट अगर होता तो इसका आंसर क्या होता, 5 raised to the power 6, बिल्कुल, क्योंकि ईच प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 different ways, ठीक है। चलो खैर, लेकिन इसने कंस्ट्रेंट डाला है, यार आप जेई मेन का पेपर है, जेई मेन या एडवांस हम लोग क्लासरूम में कर रहे होते तो हम विदाउट कंस्ट्रेंट से स्टार्ट करते, ठीक है, क्योंकि सिंपल करते करते हम लोग कॉन्सेप्ट बनाते हैं, बट अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है तो कुछ तो कंस्ट्रेंट डालेगा ही बेचारा। तो उसने कंस्ट्रेंट डाला है कि यार मुझे हर डिजिट कम से कम एक बार तो दिखनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हर डिजिट कम से कम एक बार दिखेगी दिखेगी तो इनमें से कितनी प्लेस ऑक्यूपाई हो गई, कितनी हो गई, 5 तो ऑक्यूपाई हो गई, सही बात है, 1/6 प्लेस, मतलब जरूरी नहीं है यही वाली प्लेस हो, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। मैं सिर्फ एक वो बता रहा हूँ बात कि 5 नंबर तो मेरे पास आ गए, अगर मुझे 6 डिजिट नंबर बनाना है तो मेरे पास 5 डिजिट्स तो हैं ऑलरेडी, जो 6th डिजिट है वो इन्हीं 5ों में से एक होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैं स्टोरी बनाने लगा तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार 5 में से किसी एक भाग्यशाली नंबर को सेलेक्ट कर लो, किसी को भी, कोई भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, सो देर आर 5 different ways, वही तो 5C1 की वैल्यू है यार, देर आर 5 different ways बाय विच आई कैन सेलेक्ट अ नंबर, अ सिंगल रम नंबर आउट ऑफ दीज 5 नंबर्स, सही बात है। तो इन 5 में से एक नंबर चूज करने के कितने तरीके हुए, 5C1 नंबर ऑफ वेज, चलो मान लो, सपोज कर लो, ठीक है, कि इस दिन 5C1 के सिलेक्शन से 3 सेलेक्ट हुआ सपोज, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 को उठा लाया, 3 को उठा के इनके साथ में खड़ा कर दिया, अब ये कितने डिजिट्स हो गई भाई साहब, 6 डिजिट्स हो गई।
अब इन सिक्स डिजिट्स को बोला भैया अरेंज हो जाओ. अगर छह लोग एक लाइन में अरेंज हों तो नंबर ऑफ वेज 6 फैक्टोरियल होता था, लेकिन तब जबकि चीजें डिफरेंट हो. यहां पे दो अलाइक है. अच्छा हर बार दो अलाइक होंगे ही होंगे. आज तीन है ठीक है. इस 5C1 अगर 5 उठा के लाता या 7 उठा के लाता तो 7 7 अलाइक हो जाते, बट हमेशा होंगे दो ही अलाइक क्योंकि 5 तो डिस्टिंक्ट है और एक जो हम लोग रिपीट कर रहे हैं वो है. ठीक है सही बात है. तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल विल बी नंबर ऑफ वेज. 5C1 की वैल्यू हो गई 5, 6 फैक्टोरियल मतलब हो गया 720, 720 डिवाइड बाई 2 360, 360 इंटू 5 इज 1800, 1800 इज माई आंसर. ठीक है तो ये इंटीजर आंसर टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसमें आपको 1800 फिल करना था. ठीक है इस बार जो इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन आए हैं, डेसिमल भी, वो तो सैम्पल पेपर भी आपने देखा ही होगा जो जेई मेन एनटीए की वेबसाइट ने डाला था. ठीक है डेसिमल प्लेसेस भी अलाउड है, नेगेटिव आंसर भी आ सकता है, 3 डिजिट 4 डिजिट तक भी आंसर आ सकते हैं. बट कमाल की बात एक अच्छी चीज़ ये है कि इंटीजर आंसर टाइप में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर ही नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी. तो ये वाला क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बिल्कुल सिंपल हलवा टाइप क्वेश्चन आया था, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, बहुत भारी वर्कम. 1800 इज द आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं इट्स फ्रॉम बायनोमियल थ्योरम. ठीक है अगेन 11th क्लास के चैप्टर बायनोमियल थ्योरम से लिया गया है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ सम ऑफ ऑल द कॉफिशियंट ऑफ इवन पार्ट्स. ठीक है मतलब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करने पे जितनी भी इवन पार्ट्स आएंगी उनके कॉफिशियंट्स का यदि सम लिया जाए तो वो दिया गया इज 61. ठीक है 61 दिया गया है तो n की वैल्यू निकालनी है मेरे. ठीक है तो सम ऑफ द कॉफिशियंट्स ऑफ इवन पार्ट इज गिवन 61. तो 61 लिख लेते हैं यहाँ पे. अब इसके और इसके मल्टीप्लीकेशन से जो जो भी इवन पार्ट्स आएंगी उनके कॉफिशियंट का सम मुझे दिया 61, उससे मेरे को n की वैल्यू निकालनी है. ये तो क्वेश्चन है मेरे को समझ में आ गया. ठीक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना. बायनोमियल थ्योरम के अंदर चैप्टर के अंदर भी आपको पढ़ाया गया होगा. अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, लाइव लेक्चर्स जो हम लोगों ने लाइव कोर्स इस बार रखा था जेई मेन 2020 के लिए 11 डेज का, उसके अंदर भी अगर आप बायनोमियल वाला सेक्शन देखेंगे तो आपको इस तरीके का इवन वाले कॉफिशियंट्स का सम दिखेगा, मिलेगा उसके अंदर. ठीक है अब थोड़ा सा और इन्होंने बेहतर किया है ना, मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था, फिर मैं आपको एक बार बताता हूँ. जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता हूँ ठीक है, देखो गुस्सा सबको आता है, मेरे को भी आ रहा है इस टाइम. साला पढ़ाते कुछ और है, पूछते कुछ और है. पढ़ाया था दो दो का, कुछ अच्छे मास्टर ने तीन तीन का भी करा दिया, तो भाई साहब इतने बड़े बड़े काम मल्टीप्लाई करवाए थे मैं बायनोमियल थ्योरम. ठीक है बट लॉजिकली अगर आप लोग चलें 9th 10th के हिसाब से भी चले ना तो भी इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं. कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इवन पार वाली टर्म्स कैसे बचती हैं, है ना, क्या कब बचती हैं. तो जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर दूं पागलों की तरह, मतलब मान लो पागलों की तरह मल्टीप्लाई कर दें, एकदम पागल हो जाए साला. ठीक है एकदम टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करे जा रहे, पहले पड़े एकदम लंबी चार्ज करेंगे नहीं, वो एक अलग बात है. बट अगर करते तो मैं ये जानता हूं कि मेरा कुछ इस तरह का एक्सपेंशन बनता, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन सो ऑन. ये इंपॉर्टेंट है, ए फोर एन तक जाएगा. बस इतना सा लॉजिक सोचना होता है. सबसे कम वाली सोच लो और सबसे ज्यादा वाली सोच लो. सबसे कम वाली कब बनेगी, जब कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा. वैसे बन ही आएगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी स्टाइल मार रहा हूँ. ठीक है मैंने ए नॉट लिख दिया, उसे मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं. ठीक है अच्छा सबसे हाईएस्ट कब बनेगा, जब एक्स रेस टू पार्ट 2n एक्स रेस टू पार्ट 2n से मल्टीप्लाई होगा. इसके अलावा कभी भी हाईएस्ट नहीं बनेगा. तो बना क्या, एक्स रेस टू दी पावर 4n. मुझे पता है उसको कॉफिशियंट बनाएगा, लेकिन मैं फिर भी ए 4n लिख रहा हूँ. मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ना, मैं कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ इस टाइम. मुझे कौन सा मल्टीप्लाई करके देखना है उसे. ठीक है तो कॉन्सेप्ट बेस्ड की अगर हम बात करें तो ये इसका एक्सपेंशन मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन से ये बनेगा, ये मान लिया. ठीक है चलिए जी, तो अगर ये मान लिया है, अब मेरा देखो मेरा इंटरेस्ट क्या है, ये सुनना. मेरा इंटरेस्ट ये है कि जो दिया हुआ है वो क्या है, ए नॉट ए टू मतलब एक्स की इवन पार्ट्स, ये भी इवन पार होती है, एक्स की पार्ट 0 है ना, ए टू फिर ए फोर एंड सो ऑन लेके जैसे ए फोर एन तक का जो सम है वो 61 दिया हुआ था. ठीक है ये कैसे बनता है भाई साहब, एकदम स्टैंडर्ड. क्लास में बहुत बार देखा है आपने, मेरे भी वीडियो लेक्चर अगर आपने पुराने देखे होंगे तो उसमें भी मिलेगा. एक्स की जगह 1 और माइनस 1 रख दो. इससे क्या होता है, एक्स की जगह 1 रखने से यहाँ पे ए नॉट प्लस ए वन
प्लस ए टू, इन सब का सम आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा यार, सोचो तो सही यार, आएगा। एक्स की जगह माइनस वन डालूंगा, राइट साइड की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड बाद में बात करेंगे, है ना, इसकी बात कर रहा हूँ इक्वल टू की राइट साइड में जो लिखा हुआ है। अगर एक्स की जगह माइनस वन रखेंगे यहाँ बनेगा ए जीरो, बिल्कुल सही, यहाँ बनेगा माइनस ए वन, फिर प्लस ए टू एंड सो ऑन सो ऑन प्लस ए फोर एन, बोलो सही बात है या नहीं, बनेगा। चलो जी हटाओ, लेफ्ट साइड में भी रख लो यार, एक्स की जगह वन रखोगे, इधर देखो वन माइनस वन गॉन, वन माइनस वन गॉन, सब गए, जीरो 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 जीरो, लास्ट टर्म बची सिर्फ, बची ना, अरे बाकी तो प्लस माइनस ऑल्टरनेट है, कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा वन, बहुत बढ़िया, यहाँ वन 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 सब जगह, कितनी बार, टू एन बार, नहीं यहीं तो गड़बड़ हो जाती है, इट्स टू एन प्लस वन, ये टू एन प्लस वन है, अरे ये एक्स की पार जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एक्स की पार टू एन तक जा रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स टू एन प्लस वन हुई ना, ठीक। अच्छा सिमिलरली एक्स की जगह माइनस वन, इस बार यहाँ ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये वाली चीज़ वन हो जाएगी, लेकिन इस बार ये सब प्लस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस वन हो जाएगा ना, सही है, ये भी प्लस वन हो जाएगा, तो ये सारे जुड़ जाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा टू एन प्लस वन, इसके बाद इन दोनों को क्या कर दो, क्या कर दो, ऐड या सब्ट्रैक्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि मुझे इवन वाली पार्ट्स का सम चाहिए या फिर ऑड वाली पार्ट्स का चाहिए, क्योंकि मुझे इवन चाहिए तो ए वन ए थ्री हटने चाहिए, तो ए वन ए थ्री कब हटेंगे, जब मैंने ऐड करूंगा, तो मैंने इन्हें ऐड कर दिया, तो ये कट गए ऑल्टरनेट, सही है, यहाँ क्या बच गया भाई साहब, समेशन ए टू एन बच गया, जो मेरे को चाहिए था, ठीक है। इधर टू टाइम्स आएगा क्या, हाँ टू टाइम्स आएगा भाई, अरे टू टाइम्स ए जीरो, टू टाइम्स ए टू एंड सो वन, ठीक है। अच्छा इधर कितना हो गया, टू टाइम्स टू एन प्लस वन, टू टू कैंसिल हो गया दोनों साइड से, चलिए जी टू टू दोनों साइड से, जैसे ही मैंने कैंसिल किया, लोगों ने बोला अरे इसकी वैल्यू तो 61 दी हुई थी, तो अगर इसकी वैल्यू 61 थी, वन उधर गया 60, एन की वैल्यू कितनी आ गई 30, सो 30 इज माय आंसर। ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आया था, जिसके ऑप्शन 30, 32, 28 और 36 बताए गए हैं, ठीक है, तो 30 इज माय आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया, दैट इज अगेन फ्रॉम 11th क्लास, सीक्वेंस एंड सीरीज नाम का चैप्टर है, वहां से लिया गया है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, एपी बेस्ड, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेस्ड, बिल्कुल हलवा। क्या है, इफ सम ऑफ फाइव कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, अगर एक एपी की फाइव कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम 25 दिया हुआ, कितना 25, ठीक है जी, पांच कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम 25 एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आर डी शर्मा टाइप क्वेश्चन है, 2520, ठीक है, सम दे रखा है 25, ऐसे लिख देते हैं, प्रोडक्ट दे रखा है 2520, ठीक है। इफ वन ऑफ द टर्म, एक टर्म, इफ वन ऑफ द टर्म्स इज माइनस हाफ, एक टर्म दे दी भाई साहब कि अगर एक टर्म माइनस हाफ है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट टर्म इज, तो ग्रेटेस्ट टर्म पूछिए, ठीक है, बहुत सिंपल है, थ्योरी बोलती है कि अगर पांच टर्म आपको एपी के अंदर माननी है, तो आप मानिए ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, ये पांच टर्म मैं उसमें मान सकता हूँ एपी के अंदर, ठीक है, इनका जो सम है, तो इनका सम बहुत ही अच्छी बात है भाई साहब, इनका सम 25 दिया हुआ है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, होता ये स्टैंडर्ड है, तो 5 ए की वैल्यू 25 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, इनका प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट इज 2520, तो इनका जब मैं प्रोडक्ट लिखूंगा, तो ए की जगह तो 5 पहले यूज़ कर लेते हैं ना, तो ए की जगह 5 यूज़ करने के बाद जब मैं प्रोडक्ट लिखूंगा, एक स्टेप खा रहा हूँ, एक तो ए की जगह 5, ठीक है, एक ए माइनस डी, ए प्लस डी मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर विच इज 25 माइनस डी स्क्वायर, एक ए माइनस टू डी, ए प्लस टू डी मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर माइनस फोर डी स्क्वायर, तो ए की जगह 25 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 25 माइनस फोर डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2520, वो सिल्ली सिल्ली नहीं करते आप लोग, सिल्ली मिस्टेक होगी, वो हो जाती है यहाँ पे जब इसको काटते हैं, 5 से गया 25, 5 टाइम्स, फिर 5 से गया 24 टाइम, 54 लिख देते, अरे भाई साहब 504 आएगा भाई, शर्म करो, 2500 डिवाइड बाय 5 कर रहे हो, 500 से तो ऊपर लाओ कम से कम, 500 से तो ऊपर लाओ, इतने बड़े तो हो गए यार, चलो खैर वो सिली मिस्टेक वाली बात है, वैसे ही बता दी। इनको मल्टीप्लाई करके डी स्क्वायर की क्वाड्रेटिक बनेगी, किसकी, डी स्क्वायर की, डी की नहीं, डी स्क्वायर की क्वाड्रेटिक बनेगी, तो डी स्क्वायर की क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ, 4d की पावर 4 माइनस 25 माइनस 100, तो माइनस 125 डी स्क्वायर, है ना, 25 25 625 625 माइनस 504 प्लस 121 इज इक्वल टू 0, कमाल की बात है, ये ऑलरेडी फैक्टराइज है, 121 4 मिला के 125,
तो वैसे ही स्प्लिट हो गए रे, देखो ना, 4d की पावर 4 माइनस 4d स्क्वायर माइनस 121d स्क्वायर प्लस 121 इज इक्वल टू 0, स्प्लिट हो गया, d स्क्वायर की वैल्यू 1 और 121 डिवाइडेड बाय 4, तो d की जो वैल्यूज आई वो आई प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 11/2, सही है। अच्छा, a की वैल्यू आई थी 5, सुन लो ध्यान से, अगर कॉमन रेशियो प्लस माइनस 1 यूज करूंगा तो बनेगा 3, 4, 5, 6, 7, ये नंबर्स आएंगे 3, 4, 5, 6, 7, इंटीजर आएंगे ना यार, 3, 4, 5, 6, 7, जबकि वन ऑफ द टर्म माइनस हाफ बोला गया है, यानी कि प्लस प्लस माइनस वन वाला नहीं लेना, तो क्या लेना है, प्लस माइनस 11/2, तो प्लस माइनस 11/2 यूज कर लो, 5 में से 11/2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बनेगा माइनस हाफ, आ गया भाई वन ऑफ द टर्म, है ना। फिर 2d सब्ट्रैक्ट करूंगा, 2d मतलब हो गया 11, तो बनेगा माइनस 6, इधर आते हैं इधर जोड़ेंगे तो 5 में 11/2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21/2, फिर 5 में 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, 11 जोड़ेंगे ना 2d, 11 + 5 = 16, तो ग्रेटेस्ट टर्म मेरे से पूछी थी तो 16 इज द आंसर, सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं, कोई डंडे नहीं गाड़े हमने, एकदम नॉर्मल नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व किया, सॉल्व हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज और डिटर्मिनेंट वाला जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जिन्होंने बहुत ध्यान से मेरे वीडियोस देखे हैं क्रैश कोर्स वाले, उसमें बहुत बार इस वाले कॉन्सेप्ट पे स्ट्रेस दिया गया, बहुत जेन्युइन कॉन्सेप्ट है, क्रैमर्स रूल जो आप लोगों ने पढ़ा है उसका पूछा ही जाता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वाला, ठीक है। ध्यान देने की बात यह है कि राइट साइड में सारे जीरो हैं, 0, 0, 0, सही है, जब राइट साइड के जीरो होते हैं तो D1, D2 और D3 को जीरो होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, आपको समझ में आनी चाहिए मैं कौन से D1, D2, D3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर वाला है, अगर आपने उसे भी जीरो कर दिया, जिसे आप लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं, वो D बोलते हैं, ठीक है, जो कि इनके कॉफिशियंट से बनता है, अगर उसकी वैल्यू भी जीरो हो गई तो 0/0 फॉर्म बनने की वजह से इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन बनते हैं, विच मेक्स द सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल, ठीक है। तो इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए इनके कॉफिशियंट से बनने वाले डिटर्मिनेंट हैज टू बी जीरो, दैट इज द कंडीशन ऑफ क्रैमर रूल, जिसे मैंने बहुत ही तबीयत से उन वीडियोस के अंदर, जो क्रैश कोर्स वाले वीडियोस थे उनके अंदर भी समझाया गया था। चलिए खैर, अभी मुझे इसका डिटर्मिनेंट जीरो करना था बस, तो 2, 2, 2, 2a, 3b, 4c, a, b, c इज इक्वल्स टू जीरो, बहुत गंदी डिटर्मिनेंट नहीं है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ, लेकिन ओपन करने से पहले मैंने ये सोचा कि इनको तो कम से कम 1, 1, 1 कर लो, कैसे किया मास्टर, अरे 2 कॉमन ले लिया, सामने 0 है, खत्म कर दिया, कर सकता हूँ, ठीक। अब मैं इसे डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, डायरेक्ट ओपन करने के लिए मैंने एक तरीका ही बताया था, जो जिस तरीके से मैं ओपन करता हूँ, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया, ये प्लस वाले हैं, बैकवर्ड स्लैश आर ऑलवेज प्लस वाले, फॉरवर्ड स्लैश जो होंगे वो माइनस वाले होंगे, तो ये बैकवर्ड स्लैश 3bc प्लस इसका इसके 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 साथ कितना बना 2ab, इसका इनके साथ कितना प्लस 4ac, ये तो हो गए बैकवर्ड स्लैश सारे, तीन तीन लेके माइनस, अब फॉरवर्ड स्लैशेस, ये माइनस 3ab, ये कोई ट्रिक नहीं ऑब्जर्वेशन है, माइनस 4bc, पी सर को ट्रिक्स आती ही नहीं भाई साहब, यूज ही नहीं करते, माइनस 2ac इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। चलिए अगली स्टेप, सेम चिकन चीज़ों को घटा दो, ये और ये कितना हो गया माइनस bc, ये माइनस ab, ये और ये प्लस 2ac इज इक्वल्स टू जीरो, साफ दिखाई दे रहा है, abc से जैसे डिवाइड करूँगा तो ये बन जाएगा भाई साहब 2/b इज इक्वल्स टू 1/a + 1/c, कंडीशन तो hp की है बट मैंने ऑप्शन देखे, ऑप्शन में hp था ही नहीं, बट hp की बजाय उन्होंने 1/a, 1/b, 1/c को ap में बोल रखा है, हाँ तो ठीक है मैं खुश हूँ, या तो abc को hp में बोल लो, ये 1/a, 1/b, 1/c को ap में बोल लो, वन इन द सेम थिंग, ठीक है। तो मेरा जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1/a, 1/b, 1/c आर इन ap। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया दैट इज फ्रॉम डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर, ठीक है। एक फंक्शन दिया गया fx, मॉड वॉड का है, सिंपल सा फंक्शन है, मॉड 2 माइनस मॉड x माइनस 3 जो है वो नॉन डिफरेंशियल बोला गया है, और जो जिन पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशियबल है उसे x बिलोंग्स टू s बोल दिया गया, मतलब s वो सेट है बेसिकली जिन जिन पॉइंट्स पे ये नॉन डिफरेंशियबल है, फाइन, ठीक। फिर मुझे क्या करना है, मुझे समेशन लेना है, ठीक है, x बिलोंग टू s मतलब इस s के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको बारी बारी से यहाँ रखते रहेंगे, f ऑफ के अंदर, f ऑफ f,
के अंदर रखते जाएंगे, जो जो आइटम मिलते जाएगा उसका सिग्मा लेना है, जितने भी मिलेंगे पॉइंट्स, ठीक है। सिंपल प्लेन क्वेश्चन है, मुद्दे की बात यह है कि सबसे पहले मुझे पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है, ठीक है। मॉड में, मॉड के केस में बहुत ही आसान है, जहाँ जहाँ पे उसके अंदर की चीज़ जीरो हो रही है ना, वहाँ पे मॉड चौंच क्रिएट करता है भाई साहब, सीधी बात है, बिल्कुल क्लियर। यहाँ पे एक मॉड चढ़ा हुआ है, किस पे, x माइनस थ्री पे, उसके अंदर की चीज़ जीरो कब होगी, थ्री पे, तो x इज इक्वल टू थ्री पॉइंट आ गया भाई साहब, ले हटा। बात समझ आ रही है क्या? ठीक, चलो आगे बढ़ो। ये बाहर भी एक मॉड लगा हुआ है, उसके अंदर कौन है, उसके अंदर है टू माइनस मॉड x माइनस थ्री, वो कब जीरो होगा, जब मॉड x माइनस थ्री की वैल्यू टू होगी। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, तो उस दिन x माइनस थ्री की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस टू होगी, उस दिन x की वैल्यू क्या होगी, फाइव होगी या वन होगी। अट्टारे आ गए मेरे पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, वन थ्री फाइव, ठीक है। अब निकालना क्या है, अब निकालना है भाई साहब एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ थ्री। ये भी समझ में आना बहुत अच्छी बात होती है, कई लोगों को, कई बच्चों को यही नहीं समझ में आता, पूछा क्या था, अरे समेशन लेना है, x बिलोंग टू s, s के अंदर कितने सेट एलिमेंट आए, तीन आए, कौन कौन से, वन थ्री फाइव, तो एक बार x की जगह वन रखना है, एक बार x की जगह थ्री रखना है, एक बार x की जगह फाइव रखना है, x की जगह वन रखूंगा ये बनेगा, थ्री रखूंगा ये बनेगा, फाइव रखूंगा ये बनेगा, उनका क्या लेना है, सिग्मा लगा हुआ है ना यार, तो प्लस कर दो। समझ में आया क्या? ठीक, एफ ओ वन कहाँ से आएगा, अरे कहाँ से क्या आएगा यार, रखना है यार x की जगह वन, वन माइनस थ्री माइनस टू का मॉड प्लस टू, टू माइनस टू जीरो, तो एफ वन की वैल्यू कितनी आई, जीरो, इस जगह कितना बना, जीरो, f की जगह 3, x की जगह 3, ठीक है, x की जगह 3 रखो, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 0 2, 2 का मॉड 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 2, ये 2 दोबारा मिलेगा f को, दो बार f चढ़ाना है ना, ठीक है, 5, 5 माइनस 3 2, 2 2 2 2 2 2 माइनस 2 0, इसकी वैल्यू 0, हटा, सही है, चलो ये 0 दो भाई, 0 माइनस 3 माइनस 3, माइनस 3 का मॉड प्लस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 का मॉड प्लस 1, ये आ गया प्लस 1, प्लस 2 रखो भाई, 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 का मॉड प्लस 1, प्लस 1, तो 2 माइनस 1 1, 1 का मॉड प्लस 1, हटा, प्लस, ये तो f0 की वैल्यू तो अभी निकाली ना, अब अलग थोड़ी आ जाएगी, दोबारा क्यों निकाल रहे हो, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, प्लस 3। कैसा था भाई क्वेश्चन, इंटीजर आंसर टाइप था या क्या था, इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन था, 3 अपने को लगा के आना था, वहाँ मार्क करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज, इस बार सीक्वेंस एंड सीरीज को बोलबाला रहा है, ठीक है, दो क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज के आए हैं। अगर हम कल के पेपर की बात करते हैं, 7th जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट की अगर बात करें, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच 49 रेज टू द पावर के प्लस 1, ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी के की, सच दैट ये वाला जो है इज अ फैक्टर, ये फैक्टर हो किसका, इज अ फैक्टर ऑफ 1 प्लस 49 प्लस 49 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 49 रेज टू द पावर 125, ठीक है, के की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, सच दैट कि ये चीज इसका फैक्टर, मैंने इसका सम निकालने की डिसाइड करी एक बार, कितने टर्म्स है, 126 टर्म्स है, तो 126 टर्म्स है, तो जीपी है, जीपी के सम का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, चलो जी जीपी के सम का फॉर्मूला लगाया, ए, ए की जगह 1 इंटू आर रेज टू, आर इज 49, आर रेज टू द पावर एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज 126 माइनस 1 अपॉन 49 माइनस 1, आर माइनस 1 होता है ना, दैट इज 48, ओके, ठीक है। ये देखो ऊपर, ये जो है ना न्यूमरेटर, दिस कैन एक्ट एज एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर, ये देखो ध्यान से, एलिफेंट स्क्वायर, एलिफेंट कौन है, 49 रेज टू द पावर 63, उसका स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, एलिफेंट माइनस 1 मतलब माइनस कैमल इंटू एलिफेंट प्लस कैमल, ये मेरा इसका काम कर सकता है, ध्यान देना, ये मैक्स टर्म है, इससे ज़्यादा वाला प्लस वन नहीं आएगा, ठीक है, अपॉन 48, दिस कुड बी द फैक्टर, ये मेरा फैक्टर हो सकता है, बशर्ते ये एक इंटीजर, तो ये तो एक इंटीजर है 100%, क्योंकि ये जो है ना, वैसे एक बात बताऊँ आपको, ये भी एक जीपी का सम लिखा हुआ है, क्वेश्चन कर लिया हमने पूरा खत्म, ये एक जीपी का सम है, देखो लिख रहा हूं, 1 प्लस 49 प्लस 49 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 49 रेज टू द पावर 62, 63 लिखा है ना नंबर ऑफ टर्म्स, ये इसका सम है, यानी कि ये तो इंटीजर है ही, इनटू 49 रेज टू द पावर 63 प्लस 1, इससे बड़ी पावर आप लोग निकाल ही नहीं सकते इसमें से, तो के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 63,
खत्म, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो सुनो पहले। इफ ए बी सी तीन पॉइंट्स दिए हुए, ए बी सी तीन पॉइंट्स मेरे को गिवन है, आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। भाई साहब कोई तो ट्राइंगल रहा होगा इस दुनिया में, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, उसके तीन वर्टाइसेस मेरे को गिवन है, ठीक है। अ पॉइंट पी इज सच दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई तो पॉइंट पी है भाई साहब, सच दैट ट्राइंगल पी ए बी, अगर मैं इससे एक ट्राइंगल बनाऊं, ठीक है, ट्राइंगल पी सी ए और ट्राइंगल पी बी सी, इनकी एरिया जैसे इक्वल बोले ना, खट से मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, क्या कौन है ये? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जो होता है वर्टाइसेस से मिलाने पे जो तीन ट्राइंगल बनाता है वो इक्वल एरियाज के होते हैं, वन थर्ड ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो ये जैसे ही मुझे पता पड़ गया सेंट्रॉइड है, इसके बाद क्या बोला भाई साहब इसने, क्यू पॉइंट दे रखा है, ये क्यू पॉइंट है, ठीक है, तो पी क्यू की डिस्टेंस पूछी है यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा सा, दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड बाय थ्री, तो पी पॉइंट के तो मेरे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे खटाक से, आ जाएंगे क्या, कर जोड़ो, वन प्लस सिक्स सेवन, सेवन प्लस थ्री बाई टू, ये हो गया फोर्टीन, फोर्टीन और थ्री सेवनटीन, तो ये हो गया सेवनटीन बाय सिक्स, कॉमा वन प्लस फाइव सिक्स, सिक्स प्लस टू एट, एट बाय थ्री, ये पी पॉइंट आ गया भाई साहब, ये क्यू पॉइंट है, क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, हटाओ, तो पी क्यू एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई टू वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर लगाऊंगा, तो 17 ये माइनस करूंगा तो प्लस हो जाएगा, 17 प्लस 7 24, 24 डिवाइड बाय 6 कितना, 4, 4 का स्क्वायर इज 16, इतनी फास्ट तो होनी चाहिए कैलकुलेशन, 8 बाय 3 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 1 9, 9 बाय 3 3, 3 का स्क्वायर 9, अरे वाह अच्छा आंसर 5, ठीक है, इट वॉज मल्टीपल चॉइस, ऑप्शन में 5 था, बस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्चुअली, क्वेश्चन कहने को एमओडी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का है, ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, बट इट इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो, थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्यों बता तुम, इसने ना अल्फा दे दिया कि अल्फा बिलोंग्स टू 3 पाई बाय 4 टू पाई, जिसने इसे देख के इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया, देखो उसकी तो है ना आत्मा कांप जाएगी, बिल्कुल रूह कांप जाएगी, मतलब खून खून हो जाएगा, दिल छलनी छलनी हो जाएगा, इसे डिफरेंशिएट अगर डायरेक्ट कर दिया आपने तो, ठीक है, और इसका यूज भी नहीं करा तो, ये दे रखा है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लॉजिक है, अल्फा बिलोंग्स टू 3 पाई बाय 4 टू पाई, कहाँ है ये सेकंड क्वाड्रेंट में, 3 पाई बाय 4 की लाइन ये रही, ये पाई तो इसके बीच का रीजन है ये वाला, इस रीजन की बात चल रही है, ठीक है, ओके चलो पहले देखते हैं क्या है ये ड्रामा क्या लिखा हुआ है, थोड़ी देर मैंने इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा, बचपन की बातें हैं, बचपन में टैन और कॉट हम लोग साइन कॉस में बदल लिया कर लेते, ठीक है, अब थोड़े से बड़े हो गए तो थोड़ा सा अच्छा 1.5-2 ग्राम अच्छा काम कर लेते हैं, ठीक है, तो 1.5-2 ग्राम अच्छा काम करने के चक्कर में मैंने इसे 1/10 लिख लिया, 1/10 लिखती उचक के उधर बना तो 10^2 α+1 बना, मुश्किल है, 1+10^2 α बन गया, कट रहा है ना भाई, दिख रहा है इसलिए काट दिया मैंने, तो बस ये जो 1/10 α लिखा था वही बचा, और 2 तो 2/10 α विच आई कैन राइट 2cot α प्लस, देखो मेरा पहले दिन से ये टारगेट, अगर अंडर रूट की चीज़ दी हुई है चाहे इंटीग्रेशन करना हो चाहे डिफरेंशिएशन करना हो, मेरी कोशिश रहती है अगर अंदर की चीज़ परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो मज़ा आएगा, सही बात है, तो अंदर की चीज़ को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं उसकी तरफ जा रहा था, 1/sin²α को क्या लिखूंगा, cosec², यहाँ cot है, क्या cot में कुछ लिख सकता हूँ, यस 1+cot²α हो गया मेरा काम, तो देखो a+b² बन गया क्या, a²+b² + 2ab बन गया, ठीक। अब जिन्होंने यहाँ पे लिख दिया 1+cot α, बहुत बहुत सारे सॉल्यूशन आपको मार्केट में ऐसे मिल सकते हैं जिन्होंने इसे 1+cot α लिख दिया, अंडर रूट चढ़ा के, फिर तो गेम ही खत्म हो गया ना भाई साहब, मॉडुलस एक ऐसी चीज़ है जिसकी गलती हर एग्जाम में, जेई मेन ले लो चाहे जेई एडवांस ले लो, और भी बाकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर होता हो तो मुझे आइडिया नहीं उनका ज़्यादा, जेई मेन और जेई एडवांस में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं जिसमें क्वेश्चन पेपर बनाने वाला मॉडुलस की गलती करवाता है, ये एक क्वेश्चन है, मोड आएगा भाई, मोड 1+cot α, अब अल्फा की दी गई रेंज के हिसाब से ये मोड हटेगा, ठीक है, चलो कॉट अल्फा का ग्राफ ही देख लेते हैं, कॉट का ग्राफ कौन सा कोई मुश्किल होता है, ये 0 है, ये पाई है, इस तरीके का कुछ ग्राफ होता है, ओ सॉरी टच नहीं करता, ठीक है, ये पाई है, ये 3π/4 है, 3π/4 पे इसकी वैल्यू होती है -1,
3 पाई बाय 4 से पाई के बीच में, ये माइनस 1 से छोटा है, माइनस 1 से छोटा, अगर माइनस 1 से बड़ा होता तो ये मॉड की वैल्यू पॉजिटिव होती, लेकिन चूंकि ये माइनस 1 से छोटा था तो मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव होने की वजह से मॉड कैसा खुला, माइनस साइन से, तो ये आया। अब जब मैं डीवाई बाई डी अल्फा करूंगा, इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो बन जाएगा ये प्लस का कोसेक स्क्वायर अल्फा। यहाँ थोड़ी सी गलती होने की संभावना है, जिन्होंने 1 प्लस कॉट अल्फा खोला उसका आंसर माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा आया होगा। अल्फा की जगह 5π/6, 5π/6 क्या होता है, 5π/6 होता है 150 डिग्री, 150 डिग्री मतलब हो गया 30 डिग्री वाला, तो जो 30 डिग्री वैल्यू होती है वही 150 पे होगी, सेम है ना, सप्लीमेंट्री एंगल पे सेम होते हैं साइन। मैं साइन से सोचता हूँ, मैं कोसेक डायरेक्ट सोचता ही नहीं। नाउ साइन 30 इज हाफ, तो साइन 30 इज हाफ, तो कोसेक इज 2, तो स्क्वायर करना है तो कितना आ गया 4, लेकिन प्लस का, जिन्होंने गलती करी होगी वो माइनस 4 लगा के आए होंगे, और कमाल की बात यह है कि ऑप्शन है प्लस 4 और माइनस 4 दोनों, वो तो होना भी चाहिए थे यार, अगर वो दोनों ही नहीं दिए तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। तो ये हो गया एक सिंपल सा क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन जो क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़े इंटरेस्टिंग ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट भी लग गया, अल्फा की रेंज के हिसाब से मॉडुलस ओपन करने वाली चीज़ भी हो गई, फिर डिफरेंशिएशन सिंपल था, उसके बाद तो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू रखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है, ठीक है, वो है इफ़ डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ एन एलिप्स इज 6, डिस्टेंस बिटवीन फोकी ऑफ एन एलिप्स इज 6 एंड डिस्टेंस बिटवीन इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज 12, ओके ठीक है, देन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज, उसकी लेटेस्ट रेक्टम की अगेन, ठीक है, एलिप्स कॉनिक सेक्शन से आया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फोकी के बीच की डिस्टेंस क्या होती है साहब, 2AE होती है, 6 दी हुई है, ठीक। डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस होती है 2A/E, वो दे रखी है 12, ठीक। AE की वैल्यू आ गई भाई 3, यहाँ से A/E की वैल्यू आ गई 6। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, इन दोनों को AA कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, इसे मैंने डिवाइड कर दिया, E स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2, E की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/√2, लेकिन माइनस वाले रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये दो डिस्टेंसेस का रेशियो होता है जो एसेंट्रिसिटी होती है, दैट हैज़ टू बी पॉजिटिव, तो प्लस 1/√2 ले लिया, तो ये तो मेरी एसेंट्रिसिटी आ गई, फाइन ठीक, बहुत सही। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ की जहां तक बात है, अगर आपको फॉर्मूला याद है, जनरली जनता 2b² / a याद रखती है, ठीक है, और अगर आपको एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला याद है तो दैट इज 1 - b² / a², इसको घुस करने के बाद आप बहुत आसानी से इस जगह पहुंच सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू यहां रख देते हैं, ठीक है, तो 2a² - e² / a, ये ए कैंसिल, ठीक है, यहाँ से एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, अगर नहीं देखा है तो अब देख लो, अप्रैल वाले अटेम्प्ट में भी काम आ सकता है, याद रखना है, ए को अंदर घुसाया, ई को बाहर निकाला, जबरदस्ती, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट। ये पता है, ये पता है, ये पता है, सब पता है यार, तो रखो ना फिर, इंतजार किसका कर रहे हो, काच 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 काच, 3√2 इज योर आंसर, ठीक है, मल्टीपल चॉइस था, ऑप्शन में 3√2 लिखा हुआ था, एंजॉय, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कुछ भी नहीं हमने इसके अंदर किया, फोकी के बीच की डिस्टेंस और ये लगाइए, उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ लगाइए, खत्म हो गया, ठीक है, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हमारे पास दैट इज फ्रॉम एरिया अंडर द कर्व. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है. ठीक है, ज़्यादा कोई ऐसे क्रांतिकारी ग्राफ भी नहीं बनवाया गया आपसे, बहुत सिंपल सिंपल क्या क्या है. द एरिया दैट इज एनक्लोज इन द सर्कल. ठीक है, इस सर्कल के अंदर जो एनक्लोज एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होता है, वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद है. विच इज नॉट कॉमन एरिया, विच इज नॉट कॉमन एरिया एनक्लोज बाय इन दो कर्व से, वाई इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पैराबोला. ठीक है, ये तीनों फिगर हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. इसके अंदर का एरिया एनक्लोज निकालना है, लेकिन वो एरिया, ये जो एरिया बाउंड कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, यानी कि वो वाला सब्रैक्ट करना है. ठीक है, पहले तो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए. ठीक है, अब कर्व बनाता हूँ. ये तीन, ये तो एक सर्कल हो गया, ये तो एक सर्कल टाइप बना लिया भाई साहब. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू, रेडियस 0,0 और रेडियस मतलब सेंटर 0,0, रेडियस रूट टू. फाइन, y इज इक्वल टू एक्स तो एक हो गई स्ट्रेट लाइन. ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स का इसके साथ इंटरसेक्शन निकालो, बहुत आसानी से निकल जाएगा. 1,1 - 1,-, y की जगह x रख दो यार, बहुत आसानी से निकल रहा है. तो यानी कि ये वाला पॉइंट जो है ये 1 है, ऐसे ही निकाल ली जरूरत पड़े तो. फाइन, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, एक पैराबोला बनेगा. कमाल की बात ये है, अगर आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो वो पैराबोला भी यहीं से निकल रहा है. कमाल माल कुछ नहीं है, क्वेश्चन बनाने वाले ने पहले से सेट कर रखी थी चीज़ें, समझ रहे हो. अब सुनो, अब लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए. एरिया बाउंडेड इन दिस कर्व, एरिया बाउंड, एरिया दैट इज एनक्लोज्ड इन द सर्कल, तो ये तो पूरा एरिया हो गया है ना. विच इज नॉट कॉमन एरिया एनक्लोज्ड बाय, विच इज नॉट कॉमन एरिया, यानी कि जो इन दोनों ने एनक्लोज किया है वो एरिया है ये वाला, यानी कि ये एरिया मुझे सब्ट्रैक्ट करना है. किस में से? पाई आर स्क्वायर में से. पाई आर स्क्वायर कितना? ये टोटल एरिया की अगर मैं बात करूँ, इस सर्कल के एरिया की अगर मैं बात करूँ, दैट इज पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह 2, तो ये तो हो गया 2π. माइनस इस एरिया को नाम दे देते हैं A1. तो अगर इसमें से A1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो भैया मेरा आंसर आ जाएगा, सीधी सी बात है. अब A1 निकालना आना चाहिए आपको. अब A1 निकालने की अगर मैं बात करता हूँ, A1, तो A1 क्या है? एरिया एनक्लोज बाय दीज टू कर्व्स. दो कर्व से एनक्लोज एरिया अगर निकालना है, सबसे आसान तरीका 0 से 1 तक, 0 से लेके, ये 0 है, 0 से लेके 1 तक ऊपर वाला ग्राफ माइनस नीचे वाला ग्राफ. नाउ नीचे वाला ग्राफ इज y इज इक्वल टू x, विच इज स्ट्रेट लाइन. यहाँ तो नीचे है ना, अब यहाँ ऊपर हो, यहाँ तो नीचे है. ठीक, ये वाले ग्राफ की वैल्यू y इज इक्वल टू प्लस रूट x, दिस इज इंपॉर्टेंट. माइनस रूट x नीचे वाला सेगमेंट होता है, ऊपर वाला सेगमेंट है प्लस रूट x. तो y इज इक्वल टू रूट x हो गया ऊपर वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो दैट इज रूट एक्स माइनस एक्स डी एक्स. ठीक है, चाहते तो आप इस ट्राइंगल के एरिया को हाफ, ये 1 है ये भी 1 है, चाहे तो डायरेक्टली हाफ करके, हाफ ही आएगी इसकी वैल्यू भी, और कोई अलग थोड़ी आ जाएगी. ट्राइंगल से सब्ट्रैक्ट कर लो, चाहे इंटीग्रेशन सब्ट्रैक्ट कर लो, बात एक ही है. इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स टू पावर 3/2 / 3/2 2/3, तो ये हो गया 2/3. इसका इंटीग्रेशन हो रहा है 0 से 1/2, 2/3 - 1/2 = 1/6. ठीक है, तो इस A1 की जगह 1/6 लिख दो, आंसर आ गया, खत्म, कुछ नहीं है. ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज समझने की बात थी. फोटो जिसने थोड़ी सी भी सही बना ली होगी वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर गया होगा बहुत आराम से. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है दैट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, वेरियंस का क्वेश्चन है. इफ़ वेरियंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, पहले जो n नेचुरल नंबर्स हैं उनका वेरियंस, n नेचुरल नंबर्स का वेरियंस 10 दे रखा है. ठीक है जी साहब, तो वेरियंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स ये गिवन है भाई साहब 10. फाइन, ठीक, एंड वेरियंस ऑफ फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर्स. अच्छा, m इवन नेचुरल नंबर्स मतलब हो गया भाई साहब 2, 4, 6 एंड सो ऑन अप टू 2 monkey. ठीक है, ये मुझे कितना दिया हुआ यार, दैट इज गिवन 16. ठीक, देन द वैल्यू ऑफ m प्लस n, इट्स अगेन एन इंटीग्रल आंसर टाइप क्वेश्चन. ठीक है, ये इंटीग्रल, इसमें ऑप्शन नहीं गिवन थे, तो इसमें मेरे को मंकी मतलब m प्लस n की वैल्यू निकालनी है भाई साहब. ठीक है, चलिए तो वेरियंस का फॉर्मूला लगाए थे सीधे सीधे. वेरियंस का फॉर्मूला जो है, जो आपने बुक में रट रखा है, उसका एक मॉडिफाइड वर्जन होता है, दैट इज समेशन n स्क्वायर. समेशन n स्क्वायर मतलब 1² + 2² + 3² - n स्क्वायर, उसको बोलते हैं समेशन n स्क्वायर अपॉन n माइनस
सिग्मा एन का मतलब होता है 1+2+3 अपॉन एन, यानी कि जिसे आप एवरेज बोलते हैं, का स्क्वायर. ये कितना दिया हुआ है भाई साहब? 10 दिया हुआ है. ठीक है, चलो सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 6 इंटू एन, ये एन एन कैंसिल. ठीक है, माइनस एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय 2 इंटू एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ये एन एन कैंसिल. ठीक है, अच्छा एन प्लस वन कॉमन आ रहा है, आ रहा है. चलो एन प्लस वन ले लिया कॉमन, नीचे से कितना कॉमन आ रहा है? 6. इधर से कितना बनेगा? 4. सुनना ध्यान से, इधर बना 6, इधर बना 4. 6 और 4 का एलसीएम 12. 12 ही ले लो. मैं तो ऐसा ही करता हूँ भाई साहब, पूरा ही ले लो एलसीएम, कैलकुलेशन आसान बनती भाई. अब यहाँ 6 था, हमने 12 लिया, यानी कि 2 का लोचा किया तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं. अरे ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, यही तो अपन लोग मिस्टेक करते हैं, प्रैक्टिस नहीं है बस, और कोई दिक्कत नहीं है. 2 से मल्टीप्लाई किया बन गया 4n+2. ठीक है, दो बार मिस्टेक करोगे, चार बार मिस्टेक करोगे, हो सकता है मेरे से भी गलती हो जाए, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं. ठीक है, इधर कितना था? 4. बाहर कितना लिया? 12, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 ऊपर कर दिया, 3n-3. ओके नाइस, 10. 4n-n, n 2-3, माइनस 1, तो n-1 n-1 n+1 n²-1. ये 12 चक्के इधर आ गया, n²-1/12 आ गया. इसका मतलब मेरे वेरियंस का एक फॉर्मूला बन गया, n नेचुरल नंबर्स की अगर मैं वेरियंस की बात करूँ, दैट इज n²-1/12. यहाँ से ये 12 आ गया इधर, 120 121, तो n की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब 11. आएगी तो प्लस माइनस 11, और माइनस 11 तो रिजेक्ट कर दो कम से कम, इतना तो सोचो यार, ऊपर वाले से थोड़ा तो डरो. माइनस 11 थोड़ी लोगे यार, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के वेरियंस की बात हो रही है. ठीक, तो n की वैल्यू तो आ गई 11. ठीक, चलो सर, अब देखना यहाँ जब मैं वेरियंस का फॉर्मूला लगाऊंगा सेम टू सेम, इवन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, फिर उनके सम करके, फिर एवरेज करके, या पूरे का स्क्वायर, तो इसमें से 2 2 2 2 अगर कॉमन लेंगे तो बाहर 4 आएगा. बाहर क्या आएगा? 4 आएगा. ये अच्छी चीज़ है, दिस इज स्टार मार्क. देखो इस जगह पे अगर हम ये सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इन सबके स्क्वायर होंगे. यहाँ पे भी स्क्वायर हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है ना, तो अगर इनसे 2 2 2 2 कॉमन ले लें तो बाहर 4 बनेगा. और बाहर 4 बनने पे ये नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये 1 में, ये 2 में, ये 3 में, ये m में. तो अगर वो 4 लेके मैं इधर से काट दूँ 16 को, 4 बन जाए, तो ये पता है क्या बन जाएगा? वेरियंस ऑफ फर्स्ट 1 2 3 अप टू m, विच इज इक्वल टू 4. तो ये हो गया वेरियंस ऑफ m नेचुरल नंबर. यहाँ था n नेचुरल, मतलब ये एक जैसे सुनने में लगते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें मंकी नलायक बोलते हैं. ये मंकी, ये नलायक, तो फिर कन्फ्यूजन ही नहीं है. यहाँ पे नलायक फर्स्ट नलायक नेचुरल नंबर्स का वेरियंस निकाला था, अब मंकी नेचुरल नंबर्स का, तो फॉर्मूला तो वही बनेगा ना यार, मंकी स्क्वायर माइनस 1. तो ये मेहनत बच गई ना थोड़ी सी, वरना कई बच्चों ने इसमें भी दोबारा फॉर्मूला पूरा लगाया, फिर मेहनत करी, तो क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ से मंकी की वैल्यू आ गई 12 4 48 + 1 49 का स्क्वायर 7, तो मंकी की वैल्यू आ गई भाई सब 7. ये हो गया नलायक 11, मंकी प्लस नलायक कितना हो गया? 18. सो 18 इज माई आंसर. ऑप्शन था नहीं, इंटीजर आंसर टाइप प्रॉब्लम थी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम क्लास 11th वाला फंडा. ठीक है, क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्बिनेशन से एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी गई है. ठीक है, इसमें एक 2 ग्राम का बहुत प्लेन सा कॉन्सेप्ट आता है. ठीक है, क्या है पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं. इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, भाई इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा. ठीक, अल्फा बीटा मतलब रूट्स का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, हमेशा ध्यान रहे एक्स की वैल्यूज अल्फा और बीटा है. फाइन, ठीक. एंड टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी 50, ये मुझे गिवन है. ठीक है, पूछा गया भाई फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा, लैम्ब्डा की वैल्यू पूछी गई. ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन, पहली बात. प्रोसीड कैसे करेंगे वो समझो. जो गिवन कंडीशन है दैट इज टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, यानी कि टेन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मैं जानता हूँ क्या होता है, टेन अल्फा, ये तो होगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, प्लस टेन बीटा अपॉन 1 - tan alpha tan beta. आपने अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है, बराबर अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो यहाँ पे सम और प्रोडक्ट की फील आ जानी चाहिए. लेकिन किसके, कौन सी क्वाड्रेटिक के सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात की जा रही, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसकी रूट्स अल्फा और बीटा है. यहाँ पे क्या, इस क्वाड्रेटिक के अंदर अगर मैं टेन एक्स को टी मानता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं टेन एक्स को टी मानता हूँ, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाती है के प्लस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस रूट टू लैम्ब्डा टाइम्स टी प्लस के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, विच इज द क्वाड्रेटिक इन टी. हु इज टी? टेन एक्स. टेन एक्स के लिए
रूट्स x की वैल्यू अल्फा बीटा दी हुई थी. अगर x की वैल्यू अल्फा बीटा है तो t's की वैल्यू tan अल्फा tan बीटा है, यानी कि इसके रूट्स tan अल्फा और tan बीटा है. तो इनके सम ऑफ द रूट tan अल्फा प्लस tan बीटा होंगे, इनके इसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट tan अल्फा इंटू tan बीटा होंगे. खत्म क्वेश्चन, फिनिश. इसमें से सम ऑफ द रूट ले लो भाई साहब, कितना आएगा? माइनस बी बाई ए रूट टू लैम्बडा अपॉन के प्लस वन, समझ रहे हो क्या? अपॉन वन माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है सी बाई ए, यानी कि दिस अपॉन दिस, दैट इज के माइनस वन अपॉन के प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 50. ठीक है, ये के प्लस वन चक्के इधर आएगा. सेट होती है चीजें एकदम बिल्कुल. बहुत सारे क्वेश्चन आपने ऐसे कर रखे होंगे ढंग से, अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई करी ना 10-15% भी, ये के प्लस वन चक्के इधर आएगा, के प्लस वन डिनोमिनेटर गायब, ये तो गया. ठीक है, ऊपर क्या बचा? सिर्फ रूट टू लैम्बडा, उसका भी स्क्वायर, यानी कि टू लैम्बडा स्क्वायर. ठीक है, चलिए, ये के प्लस वन आया, के भी कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, वन प्लस वन टू, तो नीचे टू, टू का स्क्वायर फोर इज इक्वल टू 50, ये गया गॉन. यहाँ से आगे भाई साहब लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू 100, लैम्बडा की वैल्यू हो गई भाई साहब प्लस माइनस 10. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लैम्बडा की वैल्यू माइनस 10 इसमें दी हुई नहीं है, तो प्लस 10 हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, सिंपल, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, आई लव कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्चुअली बहुत ही प्यारा चीज़ है. अगर तमीज से अच्छे से पढ़ा हो तो बहुत ढंग से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और सही बताऊं तो स्टैंडर्ड है तरीके. अगर आपको थ्योरी एकदम बिल्कुल बाय हार्ट अगर फील आती है ना कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो चीज़ें स्टैंडर्ड होती है ऑलमोस्ट. जैसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें इसने बोला है कि भाई साहब जेड जो है ना वो एक्स प्लस आयोटा वाई, ये जेड की जगह जो एक्स प्लस आयोटा वाई हम लोग जो कार्टिजन वाला फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं ना, नॉर्मली लोकस वाले क्वेश्चन के अंदर इस चीज़ का यूज़ किया जाता है. ठीक है, बताया भी गया होगा आपको क्लास के अंदर, और इसमें क्वेश्चन में ही पूछा लोकस ऑफ जेड. ठीक है, तो मेरे तो एकदम बिल्कुल कनेक्शन बैठ गया. ठीक है, कंडीशन क्या दी है भाई लोकस के लिए? कोई ना कोई कंडीशन दी होगी, इसने भी दी है कि ये जो ड्रामा है इसका जो रियल पार्ट है ना वो वन के बराबर है. ठीक है, आम जनता इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करती है, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई रख दो, बिल्कुल सिंपल एकदम स्टैंडर्ड है. जो कंडीशन दी गई है उसमें जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई रख दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली एक इक्वेशन मिल जाएगी जो एक्स और वाई के अंदर होगी, दैट विल बी योर लोकस, फिनिश. यहाँ मैं अगर रख देता हूँ व्हाट आई विल गेट, एक्स माइनस वाई प्लस आयोटा वाई, थोड़ा एक स्टेप खा गया. ठीक है, नीचे आई विल गेट टू एक्स प्लस टू आयोटा वाई, आयोटा कॉमन है ना, आयोटा कॉमन, तो नीचे बन जाएगा टू वाई प्लस वन आई गेस, अगर मैंने सही किया है तो, उम्मीद है सही है. ठीक है, इस ड्रामे का रियल पार्ट क्या है? वन है. तो सबसे सिंपल जो एक्सरसाइज होती है ना, सबसे सिंपल चीज़, मतलब 11th NCERT की अगर हम बात करें तो 11th NCERT में मुझे इस तरीके के कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करवाया गया है. नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो नीचे तो रियल बन ही जाएगा, ऊपर जो भी ड्रामा बनेगा उसका रियल पार्ट अलग कर दो, आयोटा वाला अलग कर दो, तो जो रियल पार्ट बनेगा उसको इक्वल्स टू क्या कर दो? वन. यू विल फाइंड योर लोकस. वो मैं नहीं कर रहा, ठीक है, मुझे वो पसंद नहीं है, मतलब ठीक है कर तो मैं सकता ही हूँ है ना, लेकिन मैं थोड़ी सी स्टाइल मारने की कोशिश कर रहा हूँ. रियल पार्ट की जब भी बात आती है ना, जब भी बात आती है तो मेरे माइंड में एक चीज़ क्लिक करती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी रियल पार्ट की बात है, रियल पार्ट कब क्रिएट होता है? जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड होता है. दैट विल ऑलवेज गिव मी टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड. बोलो सही बात है या नहीं है? अरे देता है नहीं देता, तुम इसका यूज कर लेते हो ना यार, दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर. मैं तो ये कह रहा हूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ऐड कर दूँ तो वो टू टाइम्स इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, इसका रियल पार्ट ऑलरेडी बन दिया हुआ है, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू टू. सिंपल. कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? कर लेते हैं एक बार. ठीक है, एक बार मैनिपुलेशन का तरीका, ये वाली मेरे को थोड़ी गंदगी लगती है, ये मुझे थोड़ा साफ लगता है, इसलिए ठीक है. चलो लो, इससे मैं कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होता हूँ, डर बाहर निकलता है कॉम्प्लेक्स नंबर से. इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका कॉन्जुगेट ऐड करना है. ठीक है, नाउ जो कॉन्जुगेट जिसे हम लोग बार बोलते हैं, ठीक है, दैट बार हैज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट एंड डिवीजन, सब पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो मैं ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करके लगा रहा हूँ. ठीक है, अरे मैं पूरा ब्रैकेट लगा के ऊपर बार नहीं लिख रहा, मैं पहले डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो जेड पे लगा दिया बार. अच्छा, वन का बार तो बनी होगा, वन तो रियल नंबर है,
अपॉन टू का बार भी बार टू ही होगा, जेड का बार हो गया जेड बार, आयोटा का कॉन्जुगेट हो गया माइनस आयोटा, नाइस, इज इक्वल्स टू कितना, वन। बस हो गया खत्म, क्वेश्चन फिनिश होने वाला, देखना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, टू टाइम्स जेड जेड बार माइनस आयोटा जेड माइनस टू जेड बार प्लस आयोटा, है ना, ये तो अभी ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस टू जेड जेड बार माइनस, कोई गलती हो जाए तो यार माफ कर देना, बहुत लंबे लंबे एक्सप्रेशन, बस एक ही बार आएंगे लेकिन ये एक्सप्रेशन, है ना, माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगी राइट में, है ना, तो इनको भी तो कट, अरे वाह, ये भी तो मल्टीप्लाई होंगे, ये भी तो चक्के इधर आएंगे ना, ठीक है, फोर जेड जेड बार, ठीक है, फोर ही आएगा ना, औ ये टू होगा रे, ये प्लस इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ दैट, तो वन उसका रियल पार्ट है तो टू आएगा ना, तो ये टू बाहर ले लेते हैं फिर, एक काम करते हैं, ठीक है, ओके, ये आ गया ना, तो ठीक है, अब आगे माइनस टू आयोटा जेड प्लस टू आयोटा जेड बार, समझ रहे हो, माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर इज प्लस वन, प्लस वन, लो जी साहब ये आ गया, कुछ कट पिट रहा हो तो काट पीट लो, ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल है, अच्छा ये वाली चीज, ये वाली चीज क्या, फोर टाइम्स जेड जेड बार, जेड जेड बार इज मॉड जेड स्क्वायर, देखो कितनी जल्दी क्लिक होना चाहिए, मॉड जेड स्क्वायर, मॉड जेड स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर्कल बनने की उम्मीद है, और इधर भी है एट टाइम्स, कटा नहीं है, कटा नहीं है, कटा नहीं है, रुको रुको रुको, टू और टू फोर, इधर एट, तो इधर आगे कितना बन गया, फोर टाइम्स, सर्कल बनने की उम्मीद है भाई साहब, फोर टाइम्स जेड जेड बार, सर्कल की इक्वेशन होती है ऐसी, अभी हम रख देंगे इसकी जगह वापस एक्स प्लस आयोटा, भाई रखेंगे इक्वेशन तो हमें उसी में समझ में आएगी, हम कोई जेम्स बॉन्ड थोड़ी हमें कि जेड और आयोटा के अंदर इक्वेशन समझ में आ जाएगी सर्कल की है, और आ भी जाएगी तो इसने तो डायमीटर भी पूछा भाई साहब उसका, उसने वो सिर्फ अगर इतना पूछता कि क्या बन रहा है तो मैं सर्कल बताया था, क्योंकि ये जब आ रहा है ना तो मेरे लिए तो सर्कल ही है भाई साहब, चलो बाकी देखो, बाकी देखो, बाकी देखो, ये और ये, ये है ना, और तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो इन दोनों में माइनस टू कॉमन आने के बाद जेड प्लस जेड बार बचेगा, तो इधर इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस टू टाइम्स जेड प्लस जेड बार, ठीक है, ओके ओके, और बोलो, ये हो गया ये और ये, है ना, ये हो गया माइनस टू टाइम्स माइनस फोर, और ये हो गया माइनस वन, तो इधर हो गया माइनस थ्री, तो माइनस थ्री आयोटा अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा जेड, मास्टर तूने कॉमन क्यों लिया, इसमें से भी तो आएगा, ये हो जाएगा प्लस का फोर, ये प्लस का वन, तो इधर आया प्लस का थ्री, तो ये हो गया माइनस का जेड बार, एक स्टेप खा गया मैं, अरे यार देखो थोड़ा बहुत तो खाना पीना पड़ेगा, तो मज़ा ही नहीं आता फिर, कोई कॉन्स्टेंट भी है क्या भाई, ये सब तो हो गई यूज़, ठीक, ये सब हो गए यूज़, हो गए एक बचा है, प्लस का टू, प्लस का टू इज इक्वल टू जीरो, सही है, चलो अब रख दो जेड की, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा, भाई ये मैंने थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन बचा ली, मैं यहाँ इस वाली स्टेप पे आ गया डायरेक्ट, अब मैं जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा भाई रख रहा हूँ, इधर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फोर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस जेड बार, टू एक्स, टू एक्स इंटू टू फोर एक्स माइनस, देख लो, देख लो यार, इधर जेड माइनस जेड जेड बार, यानी कि हो गया टू आयोटा वाई, कितना हो गया टू आयोटा वाई, ये आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, ये हो गया प्लस, तो ये प्लस सिक्स वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, सही है, डन, ये बन गई मेरी सर्कल की इक्वेशन, इस सर्कल की इक्वेशन को यदि मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री बाय टू वाई प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू जीरो, मास्टर तूने ऐसे क्यों लिखा, अरे ऐसे लिखने के बाद ही तो जी एफ और सी की वैल्यू मिलेगी आपको, तभी मिलेगी ना जी एफ और सी की वैल्यू, यहाँ से जी एफ और सी की वैल्यू निकालो, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका डबल करोगे तो डायमीटर आएगा, उसने डायमीटर बोला है, ध्यान रखना, ठीक है, सिंपल है, उसके बाद तो ये वाली चीज़ मेरे को आपको सिखानी थी, इसलिए मैंने इसको पूरा सॉल्व करके दिखाया, क्लियर,